हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और कल मैं जब लाइव क्लास ले रहा था तो एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर, क्या मैं जेई को अब टारगेट कर सकता हूँ? क्या मैं जेई की प्रिपरेशन कर सकता हूँ? ये जो सत्ता वर्ड है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट अभी नहीं है कि उसको तैयारी करनी है, वो अभी भी सोच रहा है। और फिर क्या होगा, सोचते सोचते हम लोग यही सोचते रहेंगे हमें तैयारी करनी है, इसी में 1-2 महीने निकल जाएंगे सोचते सोचते। बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो देख लेंगे यूट्यूब पर, टाइम पास करते रहेंगे कि ऐसे स्ट्रेटजी बनाओ, ऐसे करो, वैसे करो। आप स्ट्रेटजी बनाते रह जाओगे और टाइम आपका निकल जाएगा। आप एक्शन कब लोगे ये पहले सोच लो। ये नहीं कि सिर्फ बस यूट्यूब पे अच्छा उसने बहुत अच्छा मोटिवेशन बोल रखा है, उसने कोई बहुत अच्छी थॉट बोल रखी है, उसने ऐसा कर रखा है। यूट्यूब पे तो यार सब लोग आजकल, तुम जानते हो यार, एजुकेशन चैनल पे भी फन चल रहा है, समझ रहे हो? तो चीजें ऐसी चलती रहती हैं। आपको ये देखना कि आपका टारगेट क्या है, ठीक है? आप व्लॉग देखने में लगे हो, आप टाइम पास करते रहो तो करते रहो टाइम पास, किसका लॉस कर रहे हो? अपना लॉस कर रहे हो। अगर तुमने अब तुम्हें ये डाउट आएगा, सर क्या मैं कर सकता हूँ जेई को टारगेट, यार तुम बताओ तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है क्या? अगर 12th क्लास में 11th क्लास में आप हो तो क्या आपके पास ऑप्शन है? भाई पापा का पैसा है बहुत सारा कि बिजनेस में लगा दोगे, ठीक है चलो कोई भी कॉलेज से पढ़ाई कर लोगे। अगर नहीं है, अगर पैसा नहीं है तो फिर तुम्हें तो पढ़ना है ना, तुम्हें तो करना पड़ेगा ना फिर मेहनत। तो अगर तुम्हें पता लग गया है, देखो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको जेई के बारे में पता ही नहीं है, लो सबसे बढ़िया, उन्हें यही पता है 11th 12th पास होना ठीक है। लेकिन जिस दिन तुम्हें पता लग गया कि जेई नाम की कोई चीज है जिससे बहुत अच्छे कॉलेज मिलते हैं, तो भाई तुम क्यों रुक रहे हो? यहाँ पे इफ एंड बट का कोई ऑप्शन ही नहीं है, सीधा करना है तो करना है, बस सिंपल। वो चीज अच्छी है तो करनी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रेस में भागना है तुम्हें, लेकिन तुम्हारे पास अगर ऑप्शन नहीं है तब तो तुम्हें वहां पर चलना ही पड़ेगा ना, ठीक है? ये कहना बहुत आसान है, अरे आजकल तो बहुत तरीके हैं रुपए कमाने के, ना बेटा ना, तरीके हैं, मेहनत सब में है। ये मत सोचना कि दूसरा तरीका जो अपनाओगे वो बहुत आसान होगा। तुमने मोटिवेशनल स्टोरी सुन ली होगी किसी का, किसी को देख लिया होगा कि यार ये देखो इसने कॉलेज छोड़ दिया, देखो आज इतनी बड़ी कंपनी बना दी इसने, इन सब से काम नहीं चलता है, ठीक है? अगर किसी बंदे ने अगर कोई कंपनी बनाई है और कुछ चीज छोड़ी है तो उसके लिए बहुत मेहनत लगती है। जो आप आज मेहनत पढ़ने में लगा रहे हो ना, इससे कई गुना ज्यादा मेहनत लगती है। तो ये मत सोचना कि फ्री में कुछ मिल जाएगा आपको, फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला है। जब अगर आप कुछ करोगे भी उसमें भी मेहनत लगेगी, ये चीज पहले जान लो। कई बार क्या ना, हम लोग इसलिए पढ़ाई नहीं करते, हम ये सोचते हैं अरे ठीक है सक्सेस तो आज मिल ही जाती है अलग तरीके। जो बंदे यूट्यूब पे मान लो कोई काम कर रहा है, आप उसके वीडियोस देख रहे हो, कह रहे हो यार इसके तो इतने व्यूज आ जाते हैं, चलो यार ये तो बहुत पैसा कमाता है, मैं भी चलो कुछ ना कुछ ऐसे कर लूंगा। अरे भैया ना, ऐसे नहीं हो जाता है। किसी के अगर व्यूज आ भी रहे हैं तो ये समझ लो बंदा बहुत मेहनत छुपी हो इसके पीछे, लाखों रात दिन एक कर देता होगा तब आपको एक अच्छा कंटेंट देता होगा, तभी तुम्हें समझ में आ रहा है, कुछ मजा आ रहा है, समझ रहे हो चीज को? ऐसा नहीं है, बहुत सेक्रीफाइसेस छुपे होंगे, कभी देखना उसकी स्टोरी जब वो बताएगा। तो इसलिए इस चीज को मत सोचो कि ये चीज बहुत डाइवर्ट करती है। जैसे मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ वो इसलिए नहीं पढ़ाई कर पाते, वो यही सब सोचते रह जाते हैं, दिमाग में ये सब चीज चलती रहती है। तो भैया मोटिवेशनल वीडियो देखना थोड़ा कम करो, अपने ऊपर ज्यादा फोकस करो। और अब भी अगर नहीं जाग रहे हो, ये कुछ बच्चे तो डेली मोटिवेशन देखते रहते हैं, ठीक है डेली मोटिवेशनल वीडियो देख रहे हैं, सोच रहे हैं आप पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे, भैया तुम मोटिवेशनल वीडियो बंद कर दो, मैं कह रहा हूँ मत देखो किसी का मोटिवेशनल वीडियो। लेकिन स्टार्ट करो, सबसे पहले तुम्हें ये डिसीजन लेना है, पढ़ना स्टार्ट करना। अगर अभी तो तुमने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी, अगर तुम कोई एग्जाम को टारगेट करना चाह रहे हो, अगर तुम्हें लग गया मेरी बातों से तुम्हें ये चीज समझ में आ गई कि हाँ यार मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास पापा के पास इतना पैसा नहीं है कि मैं पापा से पैसे मांगूंगा और पापा मुझे किसी बिजनेस के लिए दे देंगे। अरे भैया पापा भी तुम्हें बिजनेस के लिए पैसा तब देंगे ना जब तुम में कुछ काबिलियत होगी, ऐसी थोड़ी ना दे देंगे अपने पास। भाई किसी ने मेहनत से पैसा कमाया और तुमको ऐसी दे देगा, ठीक है भाई? वो भी तुम्हें रुपए देंगे तो सोच समझ के देंगे ना कि हाँ मेरा बेटा कुछ काबिल है, हाँ ये ऐसा कर सकता है, तभी तो देंगे ना। तो पहले काबिल तो बनो, पहले अपना नाम तो कुछ करो, कुछ तो करो बेटा, ठीक है? तो आपको अगर लगता है कि यार हाँ यार मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, मुझे तो यार अच्छी एक जॉब करनी है, अपने लिए कुछ अच्छा करना है, ठीक है? जॉब छोड़ो, अरे तुम मैं तो कह रहा हूँ जॉब छोड़ो, तुम्हें अपने लिए कुछ अच्छा करना है, चाहे वो फिर कोई कंपनी अपनी खुद की क्यों ना खोल दो, उससे तुम लोगों को जॉब दे दो, कुछ भी करना है बड़ा सोच लो कुछ भी यार। लेकिन उसके लिए पहला स्टेप तो लेना है। पहला स्टेप क्या है? स्टडी करो। अगर नहीं पढ़ते हो, बिल्कुल नहीं पढ़ते हो तुम, तो 1 घंटे तो पढ़ना शुरू करो यार, 1 आवर तो देना शुरू करो, कुछ नहीं पढ़ रहे हो तो स्टार्ट करो। कई बार हम क्या है, हम कंपेयर करने बैठ जाते हैं, अरे यार वो तो यार 4-4 घंटे पढ़ रहा होगा, हम कुछ नहीं पढ़ रहे, और नहीं पढ़ते हैं। तुम दूसरे को छोड़ो, किसने क्या तैयारी कर ली है, कितना कर लिया है, भूल जाओ। तुम ये सोचो कि तुमको 1 घंटे पढ़ना है स्टार्टिंग में, क्योंकि तुम अभी 5 घंटे नहीं पढ़ सकते हो, तुमने अभी स्टार्ट ही नहीं करा, तुमने अभी जेई की जर्नी स्टार्ट ही नहीं करी। बच्चे मुझसे कल कमेंट सेक्शन बोल रहे थे, कहते सर
कि अभी तो मैंने कुछ स्टार्ट ही नहीं करा है, मेरा तो सिलेबस ही नहीं है। तो भैया तुम्हारा सिलेबस नहीं है, कुछ स्टार्ट नहीं है, तो भैया पहला स्टेप लो, बहुत बड़ा टारगेट मत बनाओ, 1 घंटे पढ़ाई करो। अगर 1 घंटे कंसिस्टेंट पढ़ोगे और 21 डेज तक फॉलो करोगे, अगर 21 दिन तक तुमने पढ़ लिया, तो 22वें दिन मेरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें अपने आप मोटिवेशन मिलेगा। ये होता है करेक्ट मोटिवेशन, ना कि मोटिवेशनल वीडियो ज्यादा ज्यादा लो। अरे सर मैंने तो 4 घंटे मोटिवेशनल वीडियो देखे। अरे तुमने कुछ नहीं करा, अपना 4 घंटे तुम्हारे लिए वेस्ट में चले गए। ठीक है सर मैंने ये चीज सीखी आज, तुमने मोटिवेशनल वीडियो में ये चीज सीखी, कल दूसरी सीख ली, कल तीसरी सीख ली, अप्लाई क्या किया तुमने? अप्लाई तुम्हें ये करना है, तुम्हें अपनी पढ़ाई को 1 घंटे देके कंसिस्टेंट बनाना है। फिर वो कब 1 घंटे से 2 घंटे होंगे, 3 घंटे होंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा, समझ रहे हो? फिर मजा आने लगता है, फिर हमें मोटिवेशन मिल जाता है, यार मैंने ये डीपीपी सॉल्व कर ली है, चलो पहली कर ली, अब दूसरी भी करेंगे, दूसरी कर ली है, तीसरी भी करेंगे। इससे मोटिवेशन किक आती भाई, किक आती। जब आपने देखा होगा स्कूल में अच्छे नंबर आ जाते ना बाई चांस, सोचते भी नहीं कि हमारे मान लो 20 में 18 आ गए, मोटिवेशन मिल जाता है। यार मैंने तो सोचा ही नहीं था यार, मेरे तो 10 नंबर आए, 16 आ गया, लगता है यार मैं कुछ कर सकता हूँ, पढ़ना शुरू कर दे। तो किक मिला ना आपको, तो किक पाने के लिए 21 दिन तक अपने आपको दो ना, तब आपको लगेगा अच्छा मैंने इतना डीपीपी सॉल्व करा, इतना असाइनमेंट सॉल्व कर लिया है, अब तो यार पढ़ना पड़ेगा, अब तो कुछ करके दिखाना है, अपने आप ही मोटिवेशन मिलेगा। वो होता है रियल मोटिवेशन, ना कि मोटिवेशनल वीडियो देख के। समझ रहे हो? मोटिवेशनल वीडियो देखो, जब आप लो फील कर रहे हो देख लो, लेकिन ये नहीं कि आपने बस हैबिट बना रखी है 1 घंटे देखना है, कभी कभार चलता है 4-5 मिनट, दिन भर नहीं देखना होता है, समझ रहे हो? तो आपको यार अपना रियल मोटिवेशन ढूंढना है। और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप कुछ स्टेप नहीं ले सकते हो, तो पहला स्टेप तो ये लो कि यार 1 घंटे पढ़ाई करो, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। और जेई को अगर आपको टारगेट करना है, ये मेरे लिए जेई अलर्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप 11th में भी हो, सोचना अगर आप 11th में हो, वैसे नॉर्मली जेई मेंस के अगर पेपर की बात करूं जनवरी में होता है, अभी हालांकि इस बार का डेट नहीं आया कब होगा, लेकिन हाँ जनवरी में होता है, इस बार हो सकता है डिले हो जाए, अप्रैल में हो जाए, लेकिन तुम्हारे टाइम में तुम 11th में हो, तब तो 90% चांस है वो जनवरी में होगा, तो तुम्हारे पास तो 1 साल ही तो बचा है, अक्टूबर चली रहा है, ये दिवाली वाली चली जाएगी, नवंबर आ गया, नवंबर दिसंबर और जनवरी में पेपर होता है, तो 1 ही साल के तो आसपास है, 365 डेज के आसपास है तुम्हारे पास। ठीक है, और जो 12th में उनके पास तो वैसे ही बिल्कुल टाइम नहीं है, तो यार आपके पास बहुत टाइम नहीं है। हमें लगता है अरे अभी तो मेरे पास 1.5 साल, ऐसे ही होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चे ऐसे सोचते हैं अरे अभी तो मेरे पास 1.5 साल है, साल मत सोचो, दिन के हिसाब से बात करो, 365 दिन है तुम्हारे पास, और 365 दिन सोचो कितने चैप्टर्स फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथ्स के, और तुम्हें इतनी सारे चैप्टर, इतनी सारी बुक सॉल्व करनी कर पाओगे? 365 दिन है सिर्फ, 365 दिन, उसमें तुम कुछ दिन में स्कूल के टेस्ट दोगे, कुछ करोगे, कितने दिन बचेंगे? 200 दिन में इतने सारे चैप्टर होंगे, इतने सारे न्यूमेरिकल्स, कब करोगे? मेहनत करो। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई, और आपको मेरी बात अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। हाँ, फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।